हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता जो कि सबको पसंद आने वाला है ये नाश्ता। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रेड लेंगे, यहाँ पे हमने 4 ब्रेड लिया है। आप चाहें तो 2 या 6, जैसे भी आपको जितना भी बनाना हो उतना आप ब्रेड ले सकते हैं। तो अब हम इसका जो है सर्कल निकाल लेंगे, गोल गोल। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे हमने ऐसे ग्लास लिया है। आप चाहें तो कटोरी या कोई कटर आपके पास हो तो उससे, लेकिन हमें बड़ा सर्कल निकालना था थोड़ा, तो इसलिए हमने ग्लास से इसको निकाला है। तो आप भी ऐसे ही सर्कल निकाल लीजिए। और ये इतना टेस्टी और चटपटा नाश्ता बन के तैयार होता है कि बर्गर, पिज्ज़ा, समोसा, कचौड़ी सब इसके आगे फीका लगेगा। तो ये बहुत ही न्यू रेसिपी मैं लेकर आई हूँ स्नैक्स की, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए, यहाँ पर हमने 4 सर्कल काट कर निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे 2 बॉयल आलू लिए हैं और आलू को हम अच्छे से यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे और बहुत ही कम मसाले में और चटपटा सा नाश्ता बन के रेडी हो जाता है। आप बच्चों को दे सकते हैं लंच में या कोई गेस्ट आ जाए तो, अगर ये रेसिपी स्नैक्स एक बार खाएंगे तो उनको बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पे हमने आलू को बॉयल करके ग्रेट कर लिया। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून यहाँ पे जीरा पाउडर डाला है भुना हुआ, 1/2 टीस्पून यहाँ पे आमचूर पाउडर, और हमने नमक थोड़ा ही डाला है 1/2 टीस्पून टेस्ट के अकॉर्डिंग, और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें ज़्यादा कोई मसाला हमने नहीं ऐड किया है और ये बहुत चटपटा सा, बहुत टेस्टी सा बनेगा। तो टिक्की और समोसा सबका फ्लेवर एक ही नाश्ते में बन के ये तैयार हो जाएगा, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आलू तो तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया, बाउल में हमने यहाँ पे बेसन ले लिया है 3 स्पून। तो यहाँ पे बेसन पे हमने सिर्फ वो सिंपल सा मसाला हल्दी और मिर्च और थोड़ा सा नमक बिल्कुल ऐड किया है इसमें, 1/2 टीस्पून से भी कम। और हमें बेसन इतना ही चाहिए क्योंकि हमें इसका एक जो है घोल बनाना है, गाढ़ा घोल बनाना है, इसका पतला घोल नहीं बनाना है। तो देखिए, इस तरीके से बहुत आसानी से ये आराम से ये नाश्ता झटपट से बन जाने वाला है। तो यहाँ पे घोल देखिए रेडी हो गया है, और कैसी कंसिस्टेंसी चाहिए ये भी आप देख सकते हैं। इसे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा, तो वो थोड़ा सा वो भीगा भीगा सा लगेगा। तो देखिए, यहाँ पे इतना हमें गाढ़ा बैटर चाहिए। तो अब यहाँ पे हमने 4 सर्कल ले लिया, और जो आलू का बैटर बना के रखा है वो आलू को ऐसे हाथ से स्प्रेड करते जाएंगे। तो ऐसे हम देखिए इस तरीके से लगाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे। तो ये इसे अच्छे से ऐसे लगाते टाइम सेट करते रहिए अपने हाथ से, और जो है कि देखिए यहाँ पे हमने इस अचारों में ऐसे ही लगा के रेडी कर लिया है, दबाते हुए हाथ से इसको चारों तरफ से अच्छे से लगाना है, इसे छोड़ना नहीं है कहीं से भी। तो ऐसे हमने लगा लिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमने पैन लिया है, और पैन में हमने 2 टेबल स्पून से भी कम ऑयल डाला है यहाँ पे, और जिधर आलू का बैटर लगा के रखा है उधर ही से इसको हमें थोड़ी देर इसे हमें जो है रोस्ट करना है। बहुत ज़्यादा इसको हमें ऑयल में नहीं ज़रूरत है, तो ये बहुत ही कम ऑयल में बन जाने वाला नाश्ता है। और ये देखिए, तो इसको थोड़ा सा क्रिस्प होने देंगे, आलू को अच्छे से यहाँ पे हम सेट होने देंगे। अब ऊपर से हम यहाँ पे जो बेसन का घोल बना कर रखे हैं तो ये भी हम लगा देंगे। तो ऐसे दोनों पे हम लगा देंगे, और ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा सा है, कहीं से भी मतलब टपकने का या गिरने का कहीं से भी कोई चांस नहीं। तो इस तरीके से आपको बैटर रेडी करना है। तो ये नाश्ता बिल्कुल टेस्टी और बहुत क्रिस्पी बन के रेडी हुआ था। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया, और आराम से ये हमने इसको टर्न कर दिया है। तो देखिए, अब इसे ऐसे अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक, देखिए पीछे से भी ये सिक गया है, आपको दिखा रहे हैं, और बहुत ही क्रिस्पी सिक के तैयार हुआ, कहीं से भी कच्चापन नहीं है। तो आप भी वीडियो को फुल वॉच करिएगा फ्रेंड, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने 4 को रेडी कर लिया है इस तरीके से, और इसे थोड़ा सा टेम्पटिंग बनाने के लिए और अच्छा क्रिस्प बनाने के लिए देखिए यहाँ पे हम चटपटा सा थोड़ा सा इसे और करते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे टोमेटो केचप लगा लिया है, तो 4 पे इसको ऐसे लगा देंगे स्पून से। आप चाहें तो थोड़े में हाफ में ग्रीन चटनी लगा सकते हैं, और या टोमेटो केचप दोनों लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने बारीक चॉप करके यहाँ पे प्याज डाला, फिर थोड़ा सा हमने ऊपर से खीरा भी डाल दिया,
ये देखने में जितना अच्छा लग रहा था ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी था और बहुत ही हल्का फुल्का सा नाश्ता है। तो खीरा लगाने के बाद यहाँ पे हमने थोड़ा सा कट करके टमाटर भी डाल दिया है, ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया है और इसके ऊपर हम यहाँ पे सेव डाल देंगे कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और खाने में भी तो टेस्टी लगेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेव भी डाल दिया है और ये रेडी है एकदम। तो आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए और आपको ऐसे ब्रेड की और भी न्यू रेसिपी मिलती रहेगी मेरे चैनल पर, तो एंजॉय करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।